फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है हमारे एलसीसी एजुकेशन ऐप पे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4, जिसका नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, हम कैसे एक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसके अंदर देखो जो ए बी और सी है हमारे पास, यहाँ पे ए बी और सी, ये क्या हमारे पास है, ये हमारे हैं कॉन्स्टेंट टर्म्स। क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म्स, कॉन्स्टेंट टर्म्स। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल से समझते हैं, हमारा हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5x² + 4x + 2 = 0। ठीक है, अब ये क्या हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं कि जो वेरिएबल होता है, जैसे हमारा ये x है, ठीक है, इसकी मैक्सिमम पावर, जो वेरिएबल होता है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2 होती है। उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब देखो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैं पूछ रखा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इसके अंदर हमें क्वेश्चन दे रखा और ये पूछ रखा है कि इन जो गिवन है इनके अंदर से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। तो देखो पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट के अंदर हमें दे रखा है कि x + 1 का होल स्क्वायर = 2x - 3। अब इसको देखो ओपन करेंगे और सॉल्व करके देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आएगा या नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे a x + 1 की होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, ये वाला यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² + 1² + 2। ए क्या यहाँ पे x है और b क्या यहाँ पे 1 है, इक्वल टू इसके मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x - 6। ठीक है, अब इसको देखो आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा x² 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x = 2x - 6। इफ इन दोनों टर्म्स को क्या ले आएंगे, लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास x² + 1 2x, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा = 0। अब देखो यहाँ पे ये वाली कैंसिल हो जाएगी क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, क्या बचेगा हमारे पास x² + 1 + 7 हो जाएगा = 0। अब ये देखो कि किस फॉर्म में आई हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म में आई, क्योंकि वेरिएबल की आई इस पावर कितनी यहाँ पे 2 है, तो हम क्या बोल देंगे x² + 7 = 0, it is an इन क्वाड्रेटिक फॉर्म या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड पार्ट के अंदर देखा हमें x² - 2x, सेकंड पार्ट के अंदर देखा है x² - 2x = -2 (3 - x). ठीक है, इसको पहले सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे लिख लेंगे x² - 2x = इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना हो जाएगा -2 और 3 करेंगे तो -6 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस और 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, राइट साइड वाले टर्म्स को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x² 2x, ये पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो ओरिजिनल पॉजिटिव वाली नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पे -2x आ जाएगा = 0। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको आगे, तो x² - 2x और -2x - 4x हो जाएगा और प्लस में 6 = 0। अब ये देखो हमारी किस फॉर्म में बनी है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनी है, तो क्या लिख देंगे हम इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसका देखो थर्ड पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट है हमारा थर्ड, इसके अंदर हमें दिया रखा है x माइनस टू
x माइनस टू x प्लस वन इक्वल टू x माइनस वन और ब्रैकेट x प्लस थ्री। देखो इसको सॉल्व करेंगे, पहले क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो x की मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ करवाएंगे और एक बार इसके साथ करवाएंगे, फिर इस टू की एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ करवाएंगे। तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे x के साथ जाएगा, इसकी इसके साथ करवाएंगे तो अकेला के साथ आएगा, माइनस टू की x के साथ करवाएंगे तो माइनस टू आ जाएगा, और माइनस टू की वन के साथ करवाएंगे तो माइनस टू आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे करेंगे बिल्कुल सेम, x की मल्टीप्लाई x के साथ करवाएंगे तो x फिर आ जाएगा, इस x की मल्टीप्लाई 3 के साथ करवाएंगे तो 3x आ जाएगा, इस माइनस वन की मल्टीप्लाई इसके साथ करवाएंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, और माइनस वन की 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इस पूरी टर्म को उठा करके यहाँ पे ले आएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू, यहाँ पे सारी जो पॉजिटिव वो नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस एक्स और प्लस थ्री इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब जो सेम टर्म है वो उसको सोल्व करेंगे, अब ये देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगी, अब यहाँ पे x और माइनस टू एक्स कितने हो जाएंगे, माइनस एक्स और माइनस टू और माइनस थ्री एक्स, और x कितना हो जाएगा, माइनस टू एक्स हो जाएगा और प्लस में थ्री है इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखो माइनस टू एक्स और माइनस एक्स है तो ये माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, और प्लस का तीन और माइनस का दो है तो प्लस का वन बच जाएगा यहाँ पे इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, वन। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म की मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं आई, तो हम क्या बोल देंगे इसका फाइनल आंसर है, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या है, x माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो x की मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x के साथ, तो क्या आ जाएगा हमें 2x स्क्वायर, इस x की मल्टीप्लाई 1 के साथ करवाएंगे तो अकेला x आ जाएगा, इस माइनस 3 की मल्टीप्लाई 2x के साथ करवाएंगे तो माइनस 6x आ जाएगा, और माइनस 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या है, x की मल्टीप्लाई x के साथ करवाएंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस x की मल्टीप्लाई 5 के साथ करवाएंगे तो 5x आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को इधर लेके आएंगे, तो इधर लेके आएंगे क्या जाएगा, देखो 2x स्क्वायर प्लस x, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, प्लस का x और माइनस का 6x है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, और माइनस का 3 इक्वल टू, इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर और माइनस 5x इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखो ये 2x स्क्वायर है और माइनस x स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, ये अकेला x स्क्वायर बचेगा, पॉजिटिव x स्क्वायर। अब माइनस का 5x है और माइनस का 5x है तो कितना हो जाएंगे, दोनों ऐड होकर के माइनस का 10x हो जाएगा और माइनस 3 बच गया, माइनस 3 इक्वल टू जीरो। अब ये देखो मेरे क्या किस फॉर्म में आई है, क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आई है, तो क्या लिख देंगे कि जो गिवन जो इक्वेशन आई है वो क्या है, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा इसका फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया, ये हमारा फोर्थ पार्ट था इसका, अब करेंगे हम फिफ्थ पार्ट इसका। फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या देखा हमें, 2x माइनस 1 2x माइनस 1 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 ब्रैकेट x माइनस 1। ठीक है, पिछला क्वेश्चन क्या था उसी तरह पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले टर्म को सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करवाएंगे तो 2x की मल्टीप्लाई x के साथ करवाएंगे तो क्या जाएगा, 2x हो जाएगा, और 2x की मल्टीप्लाई माइनस 3 के साथ करवाएंगे तो 6x हो जाएगा, माइनस 1 की मल्टीप्लाई x के साथ करवाएंगे तो माइनस x हो जाएगा, माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 3 के साथ करवाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह करेंगे यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करवाएंगे, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स के साथ करवाएंगे पहले तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस एक्स की मल्टीप्लाई माइनस वन के साथ करवाएंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, इस फाइव की मल्टीप्लाई एक्स के साथ करवाएंगे तो फाइव एक्स हो जाएगा,
और इस 5 की मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ करवाएंगे तो माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, इस पूरी टर्म को इस साइड लेके आएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे देखो 2x2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 6x और माइनस का x कितने हो जाएंगे टोटल, माइनस का 7x हो जाएगा, प्लस में 3 इक्वल टू x2, माइनस का x और प्लस के 5x हैं तो ये कट के कितने हो जाएंगे, प्लस के 4x हो जाएंगे और माइनस का 5 हो जाएगा। अब इनको इधर लेके आएंगे तो देखो क्या बचेंगे 2x2 माइनस 7x प्लस 3 माइनस x2 माइनस 4x प्लस का 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 2x2 और माइनस x2 रहते हैं, कितना बचेगा 1x2 बचेगा। अब माइनस 7x है और माइनस 4x है तो टोटल कितने हो जाएंगे, माइनस 11x हो जाएंगे, प्लस का 3 है और प्लस का 5 है तो प्लस के 8 हो जाएंगे इक्वल टू 0। अभी ये हमारी जो इक्वेशन आई है ये क्या आई है, क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आई है, ठीक है। फिर इसको क्या लिख देंगे कि इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सिक्स्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, सिक्स पार्ट देखा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिख लेंगे और x माइनस 2 का होल स्क्वायर है इसको ओपन करेंगे तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी इस पे लगाएंगे तो क्या आएगा देखो, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2a, यहाँ पे x है और b हमारे यहाँ पे 2 है, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगाई हमने तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2 पावर होती है 4 होती है और यहाँ पे कितना जाएगा 2 जा 4x आ जाएगा, ठीक है। अब इस टर्म को इधर लेके आएंगे तो क्या बचेगा देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और प्लस का 4x इक्वल टू में 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3x और 4x पॉजिटिव टर्म हो तो यहाँ पे 7x हो जाएंगे, माइनस का 4 और प्लस का 1 है तो यहाँ पे माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब जो हमारी जो इक्वेशन आई है ये हमारी लीनियर इक्वेशन आई है तो क्या है आपको बोल देंगे हम यहाँ पे कि इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म में नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो क्या लिख देंगे कि इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इससे अगला पार्ट है हमारा सेवन पार्ट के अंदर देखा हमें, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे x प्लस 2 की पावर होल टू x प्लस 2 की होल टू, ये हमारा सेवन पार्ट है, x प्लस 2 की होल क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी a प्लस b की होल क्यूब की, तो क्या होती है a प्लस b की होल क्यूब, a प्लस b की होल क्यूब होती है हमारी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab², ठीक है। तो ये वाली यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, x की क्यूब प्लस 2 की पावर क्यूब 2 की पावर 3 प्लस 3ax² का मतलब x का स्क्वायर और b यहाँ पे क्या है 2 है तो मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा प्लस में 3 ax जाएगा तो a यहाँ पे x है और b का क्यूब स्क्वायर आ जाएगा तो b यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर आ जाएगा। एक बार फिर इसको सॉल्व करेंगे इसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो क्या जाएगा 2x³ आ जाएगा, 2x के मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे इसको सॉल्व करेंगे और इस जो डॉक्टर है इनको इस साइड लेके आएंगे लेफ्ट साइड तो क्या बचेगा हमारा एक्स क्यूब प्लस 2 की पावर 8 कितना होता है 2 की पावर 8 होता है हमारा 8 मतलब 2 की पावर 3 होता है हमारा 8 यहाँ पे 3 2 6 6x² आ जाएगा और यहाँ पे
थ्री टू टू जा फोर होता है और फोर थ्री जा ट्वेल्व, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ट्वेल्व एक्स इक्वल टू टू एक्स की पावर थ्री माइनस टू एक्स। ठीक है, इन दोनों टर्म को इस साइड लेके आए क्या बचेगा, यहाँ पे देखो एक्स की पावर थ्री प्लस एट सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस टू एक्स क्यू प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x की क्यूब है और माइनस टू एक्स की क्यूब है, कितना बचेगा यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब बच जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर है तो प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और ट्वेल्व एक्स और टू एक्स है तो यहाँ पे फोर्टीन एक्स आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का एट आ जाएगा इक्वल टू हमारा जीरो। अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम x की पावर कितनी यहाँ पे थ्री है, तो ये क्या बोल देंगे हम कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में जो हमारा आंसर है वो नहीं आया है, तो क्या लिख देंगे फिर एट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारा, वो देखते हैं कि क्या है, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं इसकी स्टेटमेंट, x क्यूब है माइनस फोर एक्स भी है माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस टू की होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये ओपन करेंगे तो यहाँ पे कौन सी एंटिटी लगेगी, a माइनस बी का होल क्यूब लगेगी। ठीक है, तो इसकी इसका क्या फॉर्मूला था है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे ये वाला अप्लाई करेंगे इसको ओपन करके देखते हैं क्या आएगा, थ्री की पावर नंबर एक्स की पावर थ्री माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्या आएगा एक्स की क्यूब माइनस टू की क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर बी की जगह तो आ जाएगा यहाँ पे और प्लस में थ्री ए की जगह क्या आएगा एक्स आ जाएगा और बी की जगह टू आ जाएगा तो टू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे ओपन करते हैं तो क्या जाएगा एक्स क्यूब माइनस में फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस टू की पावर थ्री कितना होता है माइनस एट होता है और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस में टू टू जा फोर फोर थ्री जा ट्वेल्व एक्स आ जाएगा ट्वेल्व एक्स आ जाएगा। अब इन पूरी टर्म को इस साइड लेके आएंगे तो क्या बचेगा हमारा एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये आ जाएगी नेगेटिव माइनस एक्स क्यूब प्लस एट माइनस प्लस हो जाएगी वाली 3x मतलब 6x स्क्वायर और माइनस 12x इक्वल टू जीरो। अब जो सेम टर्म्स हम उनको सोल्व करते हैं, अब जैसे देखो यहाँ पे x की क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा x क्यूब से, अब यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर है और 6x स्क्वायर कितना बचेगा 2x स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ पे देखो अकेली x की कितनी टर्म है माइनस x और माइनस 12x कितने हो जाएंगे माइनस 13x हो जाएंगे। ठीक है, अब 1 और 8 प्लस का नाइन हो जाएगा इक्वल टू जीरो। अब ये देखो हमारी क्वाड्रेटिक की फॉर्म बड़ी है तो क्या लिख देंगे कि इट इज ए क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था 4.1 का ये कंप्लीट हो गया है, इस एक्सरसाइज में सिर्फ ये क्वेश्चन करेंगे और आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।